हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इन हिंदी। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैम स्कैनर एप्लीकेशन में पीडीएफ कैसे बना सकते हैं किसी फ़ोटो को क्लिक करके, या गैलरी में से कोई फ़ोटो लेके उसको पीडीएफ बना के शेयर कैसे कर सकते हैं। आइए जानते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे मैंने अपनी आईडी बना रखी है, शायद आपने भी बना रखी हो। फिर यहाँ पे आपको नीचे कैमरे का निशान दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको टच करना है और यहाँ पे आपके पास कैमरा चालू हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर आप इसकी फ़ोटो लेंगे तो सिर्फ एक ही फ़ोटो लेगा ये। अगर आप चार पांच फ़ोटो लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक बैच मोड दिखाई दे जाएगा, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप तीन चार फ़ोटो या उससे भी ज़्यादा फ़ोटो ले सकते हैं एक साथ। पर अगर आप गैलरी में से लेना चाहते हैं तो मैं गैलरी पर टच करूंगा और मैं ऐसे तीन चार फोटो ले लेता हूं यहां पे, जैसे कि एक सलमान खान की, एक ये वाली और एक फ्लिपकार्ट की, मैं तीन फोटो लेता हूं। इसके बाद इंपोर्ट पर हम टच करते हैं। इंपोर्ट पर टच करने के बाद यहां पे आपके पास फ़ोटो आ जाएगी, तो फोटो यहाँ पर स्कैन हो रही है। इसके बाद आपको ऊपर की तरफ पी डी एफ ऑप्शन दिखाई दे जाएगा, इस पर आपको सर्च करना है और यहाँ पे आपको बाहर कहीं भी क्लिक कर देना है और ये पीडीएफ बन चुका है इसका। इसके बाद आपको ऊपर शेयर ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर सर्च करना है और व्हाट्सएप पर शेयर कर देना है किसी के भी साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।